अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में चल रहे साप्ताहिक योग कार्यशाला पांचवें दिन भी जारी रहा। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला के चौथे दिन योग एवं महायोगी गोरक्षनाथ विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कटक उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ, मुख्य वक्ता के रूप में कुंडलिनी योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के मनोचिकित्सक डॉक्टर दीनानाथ, योगाचार्य डॉक्टर चंद्रजीत यादव, डॉक्टर प्रांगेश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कटक उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ ने कहा कि भारतीय ऋषि मुनियों की देन योग भारत की एक अत्यंत प्राचीन विरासत है। इस विरासत को महायोगी गोरक्षनाथ की सिद्धपीठ गोरक्षपीठ ने सुरक्षित रखा और उसे जनता के बीच जीवंत बनाए रखा है। आज योग को जीवन जीने की एक कला एवं विज्ञान के साथ साथ औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के लिए रूप में लोकप्रियता मिल रही है। जैसलमेर में जो राजा था जैसल उनको दिखाया गया। इसके बाद रावलपिंडी पेशावर झेलम सिंध प्रदेश होकर के काबुल लाला आ गए। काबुल में रत्नाजी का समाधि मंदिर है। रत्नाजी उस समय वही काबुल कांदाहार इत्यादि इलाका में ये नाथ धर्म योग धर्म प्रचार किया। बहुत मुसलमान उनके शिष्य हो गए। ऊपर सूर्य है और
चार महीने में अग्नि जलाते आग जलाते हैं तो बैठकर बचा के विचार न करते हैं। इसको गोरखनाथ जी ने कहा उचि रहता है नग्न व्रतता आवश्यक नग्न नेकेड रहते हैं नागा जैसा नागा कपड़ा पहन नहीं पहनते नग्न व्रतता आवश्यक नग्न होकर के तपस्या करते हैं नग्न व्रतता आवश्यक नाना तीर्थ निवेश का ऐसे कुछ साधक है जो केवल तीर्थ भ्रमण करते हैं काशी गया जिला मथुरा बोलो जीवन भर तीर्थ दर्शन गंगा स्नान गंगा सागर सब उत्तर काशी है बद्रीनाथ केदारनाथ सब केवल तीर्थ दर्शन करते हैं और नहीं नाना तीर्थ निवेश का जिन पर मौन स्थित आदित्य सह कुछ ऐसे साधक है पूरा मौन रहते बात नहीं करते। पहले प्राय 8-10 साल पहले मैं यहाँ आया था गोरखपुर बड़े महाराज जी थे एक साधु आया बनारस से तो मौन था तो उनका साथ एक शिष्य था तो साधु क्या करता है टिकट बनाना है रेलवे जाना है साधु इशारा देता है लिखता है शिष्य को बोलता है ऐसे ऐसे कुछ इशारा देता है तो महाराज ने बड़े महाराज ने हंसने लगा अरे क्या तुम मौन व्रत करते हो पैसा पैसा नहीं रखता है पैसा शिष्य का झूला में रखता है कोई दक्षिणा देता है शिष्य को झूला में डाल देता है। महाराज ने कहा ये व्यवहार नहीं है पैसा तो चाहिए आवश्यक है खाने के लिए कपड़ा खर्चे करने के लिए रेलवे टिकट करने पैसा चाहिए पैसा तुम नहीं रखते हो शिष्य का झूला में रख देते हो और मौन में रहते हो हमेशा कुछ ना कुछ इशारा देते हैं करते लेते हैं इससे तो मन चंचल होता है अस्थिर होता है। तो मौन स्थित आदित्य सह कुछ साधु लोग ऐसे हैं जो मौन रहते हैं। गोरखनाथ जी ने कहा ये खलु नित्य दुख भार निरता ये लोग केवल शरीर को दुख देते हैं दुख भार वहन करते हैं ये सत्य तो वंचित है तब तो प्राप्त नहीं होता है तब तो से वंचित हो जाते हैं शरीर को दुख देते हैं कष्ट देते हैं लेकिन तब तो प्राप्त नहीं होता है। तो क्या इसलिए तस्मात सिद्ध मतम गोरखनाथ का मत सिद्ध मत तस्मात सिद्ध मतम स्वभाव सहयम समय धीर सदा संत रहे धीर मीन्स पंडित लोग ज्ञानी लोग तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं ये सिद्ध मत अवलंबन करते हैं सिद्ध मत अनुसरण करते हैं।